वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस टॉप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सो दीज आर गोइंग टू बी एसेंशियल प्रोडक्ट्स कि अगर आप बिगनर हो और आप मेकअप की दुनिया में एंटर करना चाहते हो तो आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये वाला मेकअप लुक मैंने सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है, तो इसकी वीडियो नेक्स्ट होने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ करेक्ट बेस। अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपका इंटायर फेस अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यही वाला फाउंडेशन वेयर किया हुआ है एज ए सेट। तो ये है लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, इट्स अमेजिंग। तो सीरियसली बहुत ही ओल्डेस्ट गोल्ड वाला फाउंडेशन है, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आपको रेगुलर वेयर के लिए कुछ चाहिए तो यू कैन बाय दिस पॉन्स बीबी क्रीम। कितनी तारीफ करूँ इसकी, बहुत ही अमेजिंग बीबी क्रीम है, परफेक्ट कवरेज है, इसमें SPF है, SPF 30 है, इसमें इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसमें येलो टोन्स है जो कि परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन के लिए। होगी फाउंडेशन की बात, अब आ जाती है कंसीलर्स की। नाउ सब कुछ छोड़ दो, ये वाला कंसीलर ले लो, ये है पैक का डमा रिफिल। ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई कवरेज कंसीलर है, आपके किसी भी टाइप की एक्ने स्पॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो या फिर अंडर आई सर्कल्स हो, ये उसको कवर कर देगा। ये बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर है, अगर आपके बर्थ मार्क्स है कुछ भी है तो ये उसको बहुत ही अच्छे से कंसील कर देगा। मेरा शेड है D4। तो अब आ रही आती है ब्लशेस की। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू गाइस। पहला है ये ब्रांड मिस क्लेयर के ब्लशेस, ये वाला अभी मैंने वेयर किया हुआ है राइट नाउ। ये बहुत ही पिगमेंटेड ब्लशेस है, बहुत ही ब्लेंडेबल है, पिगमेंटेड है बट ब्लेंडेबल बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है एक ब्लश में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लश जो वो नाइसली ब्लेंडेबल हो ताकि वो हार्श ना लगे आपके फेस पे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लशेज हैं और इसमें शेड रेंज भी बहुत ज़्यादा आती है। सेकेंड ऑप्शन इज बाय द ब्रांड कॉल्ड ब्लू हेवन, ये है ब्लू हेवन डायमंड ब्लश, ये भी बहुत ही अच्छे ब्लशेज हैं। पिगमेंटेड ये ब्लशेस बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो कितना प्रिटी कलर है, ये मॉवी सा कलर है। तो नेक्स्ट थिंग इज हाइलाइटर। नाउ फॉर हाइलाइटर आई हैव अ सेपरेट वीडियो, पर मैंने अभी राइट नाउ मैंने ये वाला हाइलाइटर वेयर किया हुआ है। ये हाइलाइटर नहीं है एक्चुअली, ये है एक आई शेडो, बट मैं इसको हाइलाइटर की तरह यूज करती हूँ। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने टॉप 10 हाइलाइटर शेयर किए हुए हैं, अफोर्डेबल भी हैं और थोड़ी हाई रेंज के भी हैं, तो मिक्स है वहाँ पे। तो आप ये वाली वीडियो देख लो, 100 rupees से स्टार्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग से ऑप्शन है, तो आप हाइलाइटर के लिए वो देख सकते हो। बट जो अभी मैंने हाइलाइटर वेयर किया हुआ है ये है बाय द ब्रांड कॉल मेकअप रेवोल्यूशन एंड आई शेडो का नाम है ये बेस। तो फाउंडेशन को जो भी आपने बेस को क्रिएट किया उसको सेट करने की, तो उसके लिए आई हैव टू ऑप्शंस अगेन, एक है लूज पाउडर, एक है प्रेस पाउडर। दिस वन इज बाय द ब्रांड कॉल्ड लैक्मे और ये है लैक्मे व्हाइटनिंग रोज पाउडर। दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड मेबलिन और ये है सुपर व्हाइट फ्रेश पाउडर। टचअप के लिए बहुत ही अच्छा, आप इसको बस अपने बैग में डालो, जब भी आपको आपको टचअप करना हो आप कर सकते हो। ये लूज पाउडर से आप बेकिंग भी कर सकते हो। आई हैव अ सेपरेट वीडियो, इसका मैंने एक सेपरेट रिव्यू भी किया हुआ है, यहाँ पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसका मैंने एक सेपरेट रिव्यू भी किया हुआ है, आप इसको बेकिंग की तरह भी यूज कर सकते हो। सो आई शेडोज के लिए आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू गाइस। आप ये ब्लू हेवन की आई शेडो किट ले सकते हो, इसमें कलर्स भी आते हैं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल सी है। बट वन थिंग इज कि अगर आपको नॉर्मल आई शेडो चाहिए, अगर आप क्वालिटी में इतना नहीं देख रहे हो, आपको बस शेड्स अच्छे चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। बट अगर आप पर्टिकुलरली एक सिंगल कलर चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दीज वंस। दीज वंस आर द मोनो आई शेडो बाय मेकअप रेवोल्यूशन, ये जो मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया था, तो ये बहुत ही प्रिटी कलर्स में आते हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस ऑन माय आईलिड एंड ये बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो अगर आपको सिंगल आई शेडोज लेने हैं आप ये वाले ले सकते हो, अमेजिंग है, अफोर्डेबल भी है। कई बार ये होता है जब आप पैलेट्स ले लेते हो तो पूरे सारे एक आध कलर ही यूज होता है और बाकी की पूरी पैलेट वेस्ट जाती है, तो आप सिंगल आई शेडोज लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये वाला शेड है प्रॉमिस लैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है एंड ये है रेव ऑल नाइट और ये तो मैंने आपको बताया ही था बेस कलर है, ये शेड का नाम है बेस, प्रिटी कलर है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। सो या तो पहला ऑप्शन था ये वाली आई शेडो किट का, दूसरा ऑप्शन था ये सिंगल आई शेडो ना, थर्ड ऑप्शन जो कि आपको पसंद आने ही वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 110 rupees का, ये है ग्लिटर आई शेडोज। ये बहुत ही प्रिटी आई शेडोज है, प्लस इसकी शेड रेंज बहुत ही ज़्यादा है, हर कलर में आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आई शेडोज हैं ये। आपको इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है, ये तो ये क्रीम फॉर्मूला में आते हैं, आपको जस्ट लेना है और डायरेक्टली अपनी आईलिड पे लगा लेना है, कोई ग्लिटर ग्लू नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसको परचेज करने के लिए यू हैव टू हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट और उसमें आपको एक इंस्टाग्राम स्टोर है नेम कॉल्ड TS कॉस्मेटिक्स, ये उनका नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। बाय द वे दिस इज नॉट अ पेड और स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय देम। तो ग्लिटर आई शेडोज यू कैन गो फॉर दीज वंस इजिली, बहुत ही अच्छे हैं ये, ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग है।
एंड फॉर आई लाइनर बेस्ट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन तो लैक्मे इंस्टा लाइनर ही है या फिर ये एलेटिन का आई लाइनर है. ये एलेटिन का आई लाइनर है, इसमें भी कलर्स आते हैं सो यू कैन गो फॉर कलर वन एज वेल. सो आई हैव दीज टू ऑप्शन, अफोर्डेबल है, अमेजिंग है, ब्लैक है, बिल्कुल पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे आई लाइनर्स है. मस्कारा ना, मस्कारा अप्लाई करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मस्कारा आपकी आई लुक को बिल्कुल होल डिफरेंट लेवल पे ले जाता है, आपकी बिल्कुल आईज को डायमेंशन दे देता है, आपकी आई लैशेज ब्यूटीफुल बना देता है, आपके आई शेडो को बिल्कुल एनहांस करके दिखाता है. सो मस्कारा के लिए आई हैव दिस ऑप्शन, ये है बाय द ब्रांड कॉल एसेंस एंड ये है एसेंस आई लव एक्सट्रीम मस्कारा, आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा. ये अमेजिंग मस्कारा है ना, एसेंस के जितने भी मोस्टली जितने भी मस्काराज हैं अच्छे हैं, स्क्रीन के ऊपर अच्छे वालों का नाम होगा, ये वाले सारे अच्छे वाले हैं, तो यू कैन बाय दीज मस्कारा. तो अगर आपको ये मिलता है आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप ये वाले ले सकते हो, सारे बहुत अच्छे हैं. 170 से स्टार्टिंग रेंज इसकी 170 है, 200 टू 250 तक जाती है. रियली रियली इंपॉर्टेंट टू फिल इन योर आईब्रोज अगेन, क्योंकि आईब्रोज आपके फेस को फ्रेम करती है, और अभी तो मेरी दिख नहीं रही है क्योंकि आईब्रोज आपके फेस को फ्रेम करती है. और आप जब और यू नो जब आपकी थिक आईब्रोज होती है तो आप यंग लगते हो, जब आपकी पतली होती है तो आप थोड़े से बुढ़े लगते हो. डोंट माइंड अगर आपकी थिन आईब्रोज है, बट ये एक सत्य वचन है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अपने आईब्रोज को उगाओ नहीं तो बनाओ, तो ना फिर बनाओ. आई हैव दिस ऑप्शन, ये है मेबलिन का फैशन डुओ आईब्रो, ये एक साइड पे इसकी पेंसिल है और एक साइड पे है इसका पाउडर, इस टाइप से स्पंज पाउडर. तो आप इस, ये पिगमेंटेड है तो आप इससे अपनी आईब्रोज को पहले फिल कर सकते हो एंड देन पेंसिल साइड से आप इसको डिफाइन कर सकते हो. मेरा शेड है ग्रे, क्योंकि आई थिंक मेरे हेयर कलर के अकॉर्डिंग ग्रे मुझे ज़्यादा सूट करता है. इसमें एक ब्राउन शेड भी आता है, तो आप अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. अगली घड़ी जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी अब आ गई है, वो है लिपस्टिक की, क्योंकि सबको लिपस्टिक बहुत ही पसंद होती है. मेकअप का पहला आइटम जब भी आप लेने जाओगे वो एक लिपस्टिक ही होगी डेफिनेटली. तो आई हैव फोर ऑप्शंस फॉर यू गाइस, जो कि अफोर्डेबल है, अगेन बहुत ही अमेजिंग है, पिगमेंटेड है, मैट है, मैट भी है, कुछ मैट भी है, कुछ ग्लॉसी भी हैं. सो फर्स्ट इज दिस स्ट्रीट वेयर कलर इज लिपस्टिक, ये भी मैंने वेयर की हुई है. दिस इज़ द शेड ड्रीमी बेरी, ब्यूटिफुल कलर है, पिगमेंटेड लिपस्टिक है एंड थोड़ी सी शाइन में है और मैट है. थोड़ी सी, कैन यू सी कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है, हल्की सी इसमें शाइन है. द ब्रांड कॉल्ड एलेटिन कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक, ये 100% मैट लिपस्टिक है एंड दिस इज द शेड फर्स्ट लव P27. दिस इज द शेड फर्स्ट लव P27. ब्यूटिफुल कलर है, पिंक, वेरी मैट, वेरी पिगमेंटेड, ब्यूटिफुल कलर कॉलेज गोइंग के लिए या फिर बहुत ही यंग कलर है. अगर आप थोड़े से कॉलेज गोइंग हो तो ये ब्यूटिफुल लगेगा आपके लिप्स पे. फर्स्ट लव नाम है इसका. नेक्स्ट इज बाय द ब्रांड कॉल ब्लू हेवन, और ये है ब्लू हेवन की एक्सप्रेशन लिपस्टिक एंड द शेड नेम इज रेडियंट रेड MR104. ये है, ये भी एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही मैट है, ब्यूटिफुल कलर है. रेडियंट रेड इसका नाम है एंड यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल कलर. चाहते हैं लिप क्रॉन्स, ये है बाय द ब्रांड कॉल लैक्मे एंड द नेम इज पीच मैग्नेट. ये पर्सनली मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि इस टाइप के पीचेस मिलते नहीं है, थोड़े से यू नो सा पीच कलर है, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है. ब्यूटीफुल कलर है, बहुत ही प्रिटी कलर है एंड द नेम अगेन इज पीच मैग्नेट. अमेजिंग, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, मैट है बिल्कुल और पिगमेंटेड, आपने देख ही लिया कितना ज़्यादा है. ज़्यादा मेकअप एसेंशियल्स दैट यू नीड अगर आप बिगनर हो तो ये वाले प्रोडक्ट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वाला मेकअप लुक देखना है जस्ट स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो इस मेकअप लुक की होने वाली है मेरे चैनल पे. प्लस मैंने ये वाला मेकअप लुक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दिस मेकअप लुक. सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर टू डू दैट, ताकि आपको मेरे उसको अपलोड करूंगी, आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आती रहे. उसके लिए आप प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आती रहेंगी. एंड आई विल सी नेक्स्ट वीडियो, बाई.